कैंसर की पहली स्टेज में दिखने लग जाते हैं शरीर में यह बदलाव। जानिए क्या है वे लक्षण। आज के दौर में कैंसर की बीमारी एक बहुत ही घातक बीमारियों में से एक है। अगर कैंसर का पता लगाया जा सके तो इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कैंसर के प्रतिरक्षक अवधि से बाद में इसका पता लगाया जाए तो कैंसर का कोई भी इलाज मौजूदा समय में उपलब्ध नहीं है। वैसे तो आपने कई बार टीवी अखबारों में सुना जरूर होगा कि बड़ी बड़ी सिनेमा या खेल जगत की हस्तियां भारत से बाहर जाकर कैंसर का इलाज करवा कर ठीक हो जाती है, लेकिन आपको शायद यह मालूम नहीं होगा कि वे बाहर जाकर इलाज करवाते हैं इसलिए ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में कैंसर का इलाज कर पाना संभव नहीं है। भारत में भी कैंसर का इलाज किया जा रहा है और भारत में भी कैंसर के मरीज को बचाया जा सकता है, लेकिन जरूरी यह होता है कि कैंसर की स्टेज में है और इसका इलाज कर पाना स्टेज में संभव है या नहीं है। जो फिल्मी सितारे या खिलाड़ी बाहर जाकर अपना इलाज करवाते हैं वे इस कारण ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको कैंसर की बीमारी के बारे में जल्दी पता लग जाता है और कैंसर के पूरे फैलने से पहले ही वे अपना इलाज करवाना आरंभ कर देते हैं। इसी कारण वह इलाज करवाने में कामयाबी हो जाते हैं और दूसरे एडवांस सर्जरी और मेडिसिन वाले हॉस्पिटलों में जाकर वे अपना इलाज करवा लेते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे, अगर आपके शरीर में या किसी आपके रिलेटिव के शरीर में वे लक्षण दिखने लग जाए तो आप भी कैंसर का उपचार करवाना आरंभ कर दें और कैंसर को डिटेक्ट करने का टेस्ट डॉक्टर से जरूर करवाएं ताकि कैंसर के प्रारंभिक स्टेज में ही आपको अपनी बीमारी का पूर्ण ज्ञान हो जाए और उसके अनुसार ही आप अपना इलाज करवा सके। आपको कैंसर तो नहीं, इन तरीकों से जानें। चोट में लगातार खून का बहना भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर कैंसर की संभावना है तो इसके कारण खून मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है, यह कोलन कैंसर का लक्षण है। एक स्टडी के अनुसार 18% लोगों को शॉर्ट्स में बदलाव महसूस होते हैं। समय, मल और आकार में बदलाव प्रमुख तौर पर सामने आए। वैसे ये बदलाव खाने की वजह से भी हो सकते हैं। कैंसर की प्रारंभिक स्टेज में शरीर का वजन अचानक से घटने लगता है और यह वजन 4 से 5 किलो तक भी एक महीने के अंतराल में घट सकता है। अगर आपको आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप कैंसर का डिटेक्टिंग टेस्ट जरूर कराएं। शरीर में छोटी छोटी गांठें बनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको किसी जगह पर कोई गठिया या फुंसी नजर आए तो आप अपना चेकअप जरूर करवाएं। किसी एक अंग का अचानक से सूज जाना या मोटा होते जाना भी कैंसर के लक्षण माने जा सकते हैं। वैसे इसके कारण और भी कई बीमारियों के हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसा होने पर चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। पेट से उल्टी आना और उल्टी में खून आना भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। पेट के कैंसर के दौरान अक्सर ऐसा होता है तो आप अपनी जाँच जरूर कराएं। सिर या मस्तिष्क के कैंसर के लक्षण आप अपनी आँखों की रोशनी में परिवर्तन आते देख पता लगा सकते हैं। अगर आपकी मस्तिष्क में या सिर में अचानक से दर्द होना शुरू हो और आँखों की रोशनी जाने लग जाए तो आपको कैंसर हो सकता है। फेफड़ों के कैंसर के दौरान अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो या काफी लंबे समय तक आपको खांसी या बलगम की शिकायत हो और आपको चक्कर आते हो, आप कई बार बेहोश भी हो जाते हो तो आपकी फेफड़ों में कैंसर हो सकता है, क्योंकि फेफड़ों के कैंसर के दौरान शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जिसके कारण आदमी बेहोश और मस्तिष्क में चक्कर आने जैसी समस्याओं से घिर सकता है। दोस्तों, ऐसी ही खबरें और भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। हम हर रोज आपके लिए ऐसी नई नई जानकारियां लेकर आते हैं जिनसे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे द्वारा बताए गए उपाय वे जानकारी को आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।